जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद लगातार घाटी में सियासी हालात और भी ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जावेद राणा ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला है। जावेद ने एक बैठक के दौरान कहा है, वो कहाँ है 10 बेटी वाले, गुजरात में लाखों लोगों का जिन्होंने कत्ल कर दिया वो कहाँ है, देश के सरगना बन के हम लोगों को कहते हैं चरमपंथी, हमें दहशतगर्द कहते हैं, मगर सच तो ये है कि वो ही है सबसे बड़े दहशतगर्द और सबसे बड़े कातिल। यही नहीं, जावेद राणा ने यह मोदी को इंसानियत का कातिल करार देते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जावेद राणा ने आगे देश के झंडे पर भी तीखे बोल बोले। उन्होंने कहा, अगर राज्य में धारा 35 से और 370 से कोई भी छेड़छाड़ की गई तो कश्मीर में तिरंगा नजर नहीं आएगा। वैसे आपको बता दें कि राणा इससे पहले भारतीय सेना के खिलाफ जहरीली बयानबाजी करके चर्चाओं में आ चुके हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।